चलो दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ देने वाला हूं, तो कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहना। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि इक्का पाजी ने काफ़ी स्टोरीज डाली हुई हैं, तो इसके बाद उन्होंने एक दो और स्टोरी डाली हुई थी जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, मुझे अपने किसी गाने के लिए कोई हाइप नहीं चाहिए, मेरे पास टैलेंट है, अच्छे गाने होंगे सुन लेना, नहीं तो स्किप कर देना है। और किसी से कोई भसड़ नहीं हुई, बस कुछ चेक कर रहा था, और जो सोच के चेक कर रहा था वो भी एकदम सही सोच रहा था, बाकी मजे ले रहा था, दिल पे मत लगा लेना। साथ ही उन्होंने एक और स्टोरी डाली हुई थी जिस पे उन्होंने लिखा हुआ था, डियर DHH अब अपना चालू रखो आप। अगली जो न्यूज अब आ रही है श्लोका की तरफ से, तो श्लोका ने आज अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाली हुई थी, आप देख सकते हो, जिसके नीचे उन्होंने लिखा हुआ था, सामने शाहरुख खान का घर है और इस फोटो के लिए 200 रुपया चालान भी दिया है, तो अपलोड तो करना पड़ेगा। तो अगली जो न्यूज अब आ रही है रफ्तार की तरफ से, तो रफ्तार ने अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर की हुई थी, आप देख सकते हो, जिसमें कि रफ्तार का जो सॉन्ग है प्राउड उसकी लाइनें थी, और उसी को शेयर करते हुए रफ्तार ने लिखा हुआ था, पुश स्टार्ट जीवन की ओर बढ़ो। और साथ ही रफ्तार ने जो भुवन बाम का ढिंडोरा का ट्रेलर लॉन्च हुआ है उसको शेयर करते हुए आप देख सकते हो स्टिकर लगाए हुए हैं कप वाले। तो अगली जो न्यूज अब आ रही है एमवीए की तरफ से, तो एमवीए ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी, आप देख सकते हो, जिसमें की लिखा हुआ है, माई टाइम इज #1 ऑन द न्यू इंडिया प्ले लिस्ट ऑन एप्पल म्यूजिक। साथ ही एक सैड न्यूज भी है, हेलक ने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरी डाली हुई थी, आप देख सकते हो। और इसी के बाद जो एमवीए है उन्होंने एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था, हेलक यू गोना मेक इट बिग ब्रदर, स्टे स्ट्रॉन्ग, यू गोना मेक योर डैड प्राउड, इज वॉचिंग मे हिज सोल, RIP, may I give you and your family strength in this difficult time। अगली जो न्यूज अब आ रही है कृष्णा की तरफ से, तो कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम पे ये पोस्ट डाला हुआ था, आप देख सकते हो, और इस पर उन्होंने 12 तारीख भी लिखी हुई थी। तो कृष्णा का जो सॉन्ग आने वाला है उसके डायरेक्टर का पता लग चुका है, मतलब कि जो क्यूज हैं उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ स्टोरीज डाली हुई थी, आप देख सकते हो इसी से रिलेटेड, और ये भी कंफर्म हो चुका है कि सॉन्ग ही आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।